राधे सभी भाई बहन को एक नई सुबह के साथ मेरा सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे। और आज है, आज रात में देखो बारिश हो गई तो गीला हो गया है, और आज मैंने छत से ही अपनी शुरू कर दिया, योगा किया नहीं था क्योंकि आज रात में ना तो हम सो पाए ना कुछ, परेशान हो गए। और देखो बच्चे सो सो के सीधे अट्टा पर चढ़ गई है, देख रहे हैं कहाँ कितनी बारिश हो रही, कितना गीलो पड़ो सब है, देख रहे हैं। तो मैंने अपना छत से ही चालू किया ब्लॉग, छत पे झाड़ू वगैरह करके नीचे आई हूँ। नीचे मैंने अब चाय बना रही हूँ, एक प्रकार का दूध गर्म करी क्योंकि रात में लाइट ना रही, फ्रिज में रख दो दूध तो ख़राब है अभी की संभावना रही होगी ना, तो मैंने फिर एक पे दूध गर्म करके रख दो, एक पे चाय बना के रख दी है। और आज वट सावित्री का व्रत हूँ मैं, और पूजा करूँगी, आगे पूरा ब्लॉग दिखाऊँगी, पूरा ब्लॉग देखें। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चाय बन रही है मेरी, चाय बनने के बाद मैं फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू वगैरह सब, और आज जल्दी जल्दी काम करूंगी, जल्दी पूजा करूंगी। आज क्या है कि रात में देखो नींद अपने आप सो जाओ तो अपने आप सुबह एकदम मूड फ्रेश तुम उठोगे, और मैं बहुत जल्दी उठ जाती, योग कर लेती, और योगा करने के बाद में फिर सारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता। आज मेरा सिर इतना भारी है रो है कि आज बहुत कछु पूछ ही मत, नींद पूरी ना हुई और सिर में दर्द चालू है, और तो काम में लगे हैं, कल थोड़ा बाहर गए थे वहाँ से परेशान है ये। और देखो झाड़ू तो लग गया, थोड़ी अब लाइट चली गई है तो थोड़ी बार बर्फ जमी गई है, ला के आ गई हूँ मैं दे रही हूँ, और मेरी खीर बन गई है, इधर सब्जी भी बन गई। तो मेरी पूजा की सारी तैयारी हो गई है और मैं तैयार होकर अपनी पूजा करने जा रही हूँ। बच्चों को बहुत तेज़ भूख भी लगी है क्योंकि 11 बजे उनका ट्यूशन है, वो ट्यूशन जाएंगे, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। मैंने सारा अपना सिंगार वगैरह सब लगा लिया है, एक थाली में पूजा का सामान लगा लिया है, और सिंगार पूरा होता है जैसे करवा चौथ के होता है ऐसे, इसमें 16 सिंगार होता है पूरा। और देखो अब मैं अपनी कथा भी कहूँगी इसमें, बट सावित्री की पूजा करके बरका इससे दो पत्ते लिए, एक पर सत्यवान है एक पर सावित्री है, और इनको भी अर्पण कर दूँगी। यहाँ बरका पेड़ तो बहुत दूर था तो फिर मैंने घर में ही अपना डाली लगा के इसी पे पूजा कर देती हूँ, क्योंकि बाहर जाना पड़ेगा, बहुत दूर है, यहाँ नहीं है, मतलब गाँव से बहुत बाहर है। तो देखो वहाँ बेड़ साहेब पे पोकर है, मतलब माँ पूजा करवे, मतलब स्वच्छ जगह ना है सही तरीका से, वो अपना दीपक वगैरह ने हमें बढ़िया तरीक़ा से जला के पहले जाके पूजा कर, पूजा करने के बाद में फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। सावित्री की व्रत कथा। पौराणिक प्रचलित शब्द के अनुसार सावित्री ने अपने मतलब पिता के वचनों के अनुसार उसने मन में जाकर अपने लिए पति ढूंढा और उसे सत्यवान को चुन लिया। चुनने के बाद में उसे पता चल, पहले ही उसे मतलब भविष्यवाणी कर दी गई थी सत्यवान की कि इसकी हेल्प आई है, लेकिन फिर भी सावित्री ने यह कह दिया कि हम भारतीय नारियां हैं और हमारे यहाँ एक बार ही बस चुना जाता है, तो उसने सत्यवान को चुन लिया और उससे शादी कर ली। सत्यवान के माता पिता अंधे थे और उसकी विद्रोही ने, उसके पिता के विद्रोही ने उसका राज्य छीन लिया था, और वो वन में बढ़ रहे थे, रह रहे थे वहीं, रहते थे वन में ही कुटिया बना करके, और वहीं सावित्री सत्यवान के साथ में रहने लगी प्यार से। कुछ दिन बाद सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाते तो सावित्री साथ संग में जाते हैं, तो जैसे सावित्री संग जाते तो अचानक ही सत्यवान ने मूर्छता के कारण चुप करा के गिर पड़ते, गिर पड़ने के बाद वो मतलब खत्म हो जाता है, तो सावित्री बहुत रोते बिलाते हुए अपने मतलब गोदी में लिटा लेते हैं। अब तो यमराज आते हुए देवी के लिए लेके चल देते तो सावित्री पीछे पीछे चलते हैं। अब कछु दूरी में जाकर देखता है यमराज के ये सावित्री जारी पत्नी हमारे पीछे पीछे आ रही, तो वो मना करते हैं, अरे तुम क्यों पीछे आ रही हो, और पति के मर जाने के नारी को तो तकलीफ पर ही रहना पड़ता है। लेकिन सावित्री ने कहा कि नहीं, जहाँ मेरा पत्नी धर्म है तो जहाँ मेरा पति रहे वहाँ मैं रहूँगी। तो ये सुनकर यमराज बहुत खुश हुए, तो बोले कि मैं तुम्हारी इस बात से तो बहुत खुश हूँ, बताओ तुम
अपने लिए कुछ बचत मान सकती हो। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा कि पहले तो मेरे सास ससुर के नेत्रों की रोशनी आ जाए ठीक है तथास्तु, दूसरा मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए तथास्तु। तीसरा उसने कहा कि मैं अपने पति के 100 बच्चों की माँ बनूं। तो उन्होंने कह दिया तथास्तु। अब कहके वो सोचने लगा कि ये क्या मैंने कह दिया, लेकिन वचन तो वचन होता है, वचन खाली भी नहीं आना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है तुम वापस जाओ और उस पेड़ के नीचे अपने पति के शरीर को देखना। वो वापस आती है, पेड़ के नीचे अपने शरीर को देखती, पति के शरीर को देखती है तो पुनः जीवित वापस पाता है। तो हे यमराज भगवान, हे विष्णु भगवान, इसमें विष्णु भगवान की ब्रह्म पूजा की जाती है वर के पेड़ के नीचे, और वर के पेड़ की इसीलिए मान्यता क्योंकि यहाँ भगवानों का वास होता है। तो वर का पेड़ तो यहाँ बहुत दूर था, मैं नहीं जा पाई थी, तो फिर मैंने अपने घर में एक डाली लगा के और इसमें लगा के पूजा की है। और जैसे सावित्री पर कृपा की है, सभी पर करे सभी का स्वागत रहे, सभी की खाली चोरी भरे, सभी का राज्य में सुखी समृद्धि बनी रहे, सभी के पति की लंबी आयु दे भगवान, पहले सबका भला करे फिर मेरा भला करे। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे पापे जनों के और सावित्री के व्रत में ये श्रृंगार जरूरी होता है क्योंकि पति की आयु के लिए व्रत रखा जाता है। तो सभी ये श्रृंगार अपना जैसे करवा चौथ में रखते हैं, ऐसे ये करवा चौथ से भी बड़ा व्रत है और इसमें सभी सामान मैंने रखा है अपने घर में। मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी, सासू माँ चाहे खुद रखे या नंद को दे, किसी को भी दे सकती है। और अब मैं अपना वस्तु कर्तव्य लगाऊंगी, कर्तव्य लगाने के बाद में गैया को भोजन करा के सब भोजन करेंगे। इधर पूजा करके मैं अपने ठाकुर जी को भी लगा देती हूँ वो, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा भूख लगी है तो जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भूख लगा के, और ये भांजी को दे दिया मैंने खाना, और भांजी खा लेंगी, बच्चे भी खा लेंगे। इधर मैं अपनी मम्मी को भी दे दिया सिंगार वगैरह और खाना परोस के रख दिया, अगर देवर जी खा रहे हैं और अब सभी खाना खा लेंगे कुल मिला के। तो खाना पूजा है गई, खाना पानो खाएगा सब फ्री है गई। अब जी मैं बर्तन उन्हें माँ जी के साफ करके सब उन्हें सब्जी वगैरह खिलाई के रख दे रही हूँ।
अब जिन्हें समझ में साफ कर लें जी। खाना खा गया तो ऐसा लग रहा है एकदम जैसे पता नहीं कहा सुबह से पानी नहीं पिया और सीधा खाना खाओ। एक ही टाइम खाना खाओ, मैंने अब नहीं खाऊंगी मैं, एक ही टाइम खाऊंगी। अब ऐसा लग रहा है जैसे पता ना है जल्दी से जल्दी बिस्तर पर पड़ जाऊँ। अब मैंने किला पहले चौका बेकार लग रहा है। अब मैं जाके बाद में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर मैं करूँगी सीधी एडिटिंग। और फिर आप मेरी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और मेरे देखो कितने सारे हो गए बर्तन, बर्तन कितने सारे हो गए बर्तन। बस बर्तन मार के सोई में अपना काम करी का तू या तुझे फ्रीज में रहती रही।